दोस्तों, जब भी आप किसी एथलीट को देखते हो तो आपके माइंड में यही क्वेश्चन आता होगा कि वो कितने ज्यादा फोकस्ड होते हैं, अपने काम को लेकर कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, अब कैसे वो अपने आप को अपनी लिमिट तक पुश करते हैं बिना किसी डिस्ट्रेक्शन के साथ। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग आप अपने माइंड को उस स्टेट तक ले आते हो जिसको फ्लो स्टेट कहते हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है 8 से लेकर 14 हर्ट्ज के बीच में। इसी फ्लो स्टेट की वजह से एथलीट बहुत अच्छे से खेल रहे होते हैं और इसी फ्लो स्टेट के बारे में मंक्स भी हमको गाइड करते हैं। अगर आप भी अपने माइंड को इस फ्लो स्टेट में लेकर आ जाते हो तो आपके लिए भी सारी चीजें करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि फ्लो क्या है और ये कैसे काम करता है और आप कैसे अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मिहेली चित्रमलाई की बुक फ्लो, इसमें ऐसे बहुत सारे तरीके बताए गए हैं जिसका यूज कर आप अपने माइंड को फ्लो स्टेट में ला सकते हो। तो इस बुक समरी को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन इज, व्हाट इज फ्लो स्टेट? दोस्तों, हमारे माइंड की एक ऐसी मेंटल स्टेट जहां पर एक इंसान का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा इंटेंस होता है कि वो इंसान अपने काम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि उस इंसान का सेंस ऑफ सेल्फ ही खत्म हो जाता है। मतलब कि जब वो फ्लो स्टेट में होता है तब तक उस इंसान को खुद की एग्जिस्टेंस का ही पता नहीं चलता है। दोस्तों, ये ऐसा स्टेट है ना जहाँ पर आपको भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, किसी भी चीज का पता नहीं चलता। इस स्टेट में जाने के बाद आप कॉन्सेंट्रेशन के उस लेवल पर होते हैं कि आप जो भी काम करना चाहते हो ना वो आप इतनी जल्दी कर लोगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि आपने एथलीट्स को भी देखा होगा कि वो इतने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनके आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि उस टाइम वो अपने फ्लो स्टेट में होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज बेनिफिट ऑफ फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट के बेनिफिट्स क्या हैं? फ्लो स्टेट में जाने के बाद फ्लो जो होता है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को 500% तक इंक्रीज कर देता है। इसका मतलब ये है कि जिस भी काम को करने के लिए आपको 5 दिन का टाइम लगने वाला है ना, वो काम आप सिर्फ 1 दिन में कर लोगे। दोस्तों, हमारे साइंस के स्टेज के अकॉर्डिंग किसी भी एक पर्टिकुलर स्किल में मास्टर होने के लिए आपको उस स्किल को करने के लिए लगभग 10,000 आवर्स का टाइम चाहिए होता है। लेकिन जब आप फ्लो स्टेट में होते हो ना तो उसी काम को करने के लिए आपको सिर्फ 5,000 आवर्स का ही टाइम लगता है, मतलब 50% कम हो जाता है। दोस्तों, साइंस के स्टेज के अकॉर्डिंग फ्लो हमारी क्रिएटिविटी को 700% तक इंक्रीज कर देता है। और इस बुक के ऑथर के अकॉर्डिंग हर एक फ्लो के स्टेट के बाद हमारे माइंड का कॉन्शियसनेस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। फ्लो इज अ की ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनर। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे फेमस लोग हैं जो इस धरती पर पैदा हुए, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, स्टीव जॉब्स हो गए, निकोला टेस्ला और बहुत से महान लोग। इन सभी लोगों को एग्जाम करने के बाद ये चीज पता चली कि इनका पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो उस टाइम फ्लो स्टेट में होते हैं। इसी की वजह से वे लोग इतने ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। तो चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि जब इंसान फ्लो स्टेट में होता है ना तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या केमिकल और इलेक्ट्रिक चेंजेस आते हैं। दोस्तों, हमारे माइंड में फ्लो की वजह से सबसे पहले डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है और हमारा फोकस और ज्यादा इंक्रीज होने लगता है, और हमारे दिमाग के ब्रेन वेक्स बीटा से अल्फा में शिफ्ट होने लगता है, जिससे कि हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसके कारण हमारे माइंड का अगला हिस्सा जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं वह बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हम मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। इस स्टेट में जाने के बाद जिसकी वजह से हमारे माइंड में एंडोजेंस और एंडोमाइन नाम के केमिकल रिलीज हो जाते हैं। एंडोजेंस केमिकल के रिलीज से हमारे माइंड में जो कुछ भी स्ट्रेस होता है वो खत्म हो जाता है। हमारे दिमाग में एंडोमाइन केमिकल के रिलीज होते ही हमारा शरीर स्ट्रेस और पेन से फ्री हो जाता है और दिमाग की लेटरल थिंकिंग बढ़ जाती है। लेटरल थिंकिंग बढ़ते ही हमारे माइंड में न्यू आइडियाज आने लगते हैं। जब फ्लो और भी ज्यादा डीप हो जाता है तब हमारा माइंड वेक्स अल्फा से थीटा में शिफ्ट हो जाता है, जिससे हमारे माइंड की इंटुएक्शन पावर बढ़ जाती है। वो इंटुएक्शन पावर जिससे मोस्टली जीनियस लोग बड़ी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। और हमारे माइंड में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन केमिकल रिलीज हो जाता है। ये दोनों केमिकल रिलीज होते ही हमारे अंदर शक्ति और खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। इसका जो एक्सपीरियंस होता है ना वो इतना ज्यादा कमाल का होता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा एडिक्टिव स्टेट इसे ही कहा जाता है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू अचीव फ्लो स्टेट ऑफ माइंड। दोस्तों, इस बुक के ऑथर कहते हैं कि किसी भी काम में फ्लो स्टेट अचीव करने के लिए आपको आगे के इन दो फंडामेंटल
फंडामेंटल्स बातों का ध्यान रखना चाहिए वो है स्किल और चैलेंज। मान लीजिए कि अगर आप किसी भी काम को शुरू करते हैं जिसमें आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं और उस काम में चैलेंजेस बहुत कम है, तो आप उस काम को फुली इंजॉय के साथ कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप बहुत ही जल्दी हाइपोथेटिक फील करने लग जाओगे। ठीक वैसे ही जब आपके पास कोई ऐसा काम है जिसमें चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं लेकिन आपके पास स्किल्स बहुत ज्यादा कम होती हैं, तो उससे क्या होता है, आप खुद को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हो। साइंस के स्टेज के अकॉर्डिंग किसी भी काम में स्किल्स और चैलेंज के बीच का रेशियो 1.4 होना चाहिए, यानी कि चैलेंजेस हमेशा हमारी स्किल से बड़े ही होने चाहिए, तभी ही आप फ्लो स्टेट को सक्सेसफुली अचीव कर पाओगे। चैलेंजेस को आप आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते। आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। अगर आप अपने क्लास में बैठे बैठे बोर हो रहे हो तो इंग्लिश के लेक्चर को हिंदी में कन्वर्ट करना या लिखना स्टार्ट कर दो, और ऐसी सिचुएशन में आपके चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। कुल मिलाकर कहें, आपको अपने हर काम में क्रिएटिव कैपेसिटी का 126 का यूज करना होगा। अगर एक बिट भी अनयूज रह गया ना, तो आपका जो माइंड है ना वो किसी और थिंकिंग में चला जाएगा और आपका कॉन्सेंट्रेशन टूट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू कंट्रोल द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। दोस्तों, जब आपका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तब आपकी लाइफ में फ्लो अपने आप आने लग जाएगा। आपका कॉन्सेंट्रेशन तब भी इंक्रीज होगा जब आप पूरी तरीके से प्रेजेंट में रहना सीख जाओगे। प्रेजेंट में रहने के लिए आपको अपने थिंकिंग पर काबू करना सीखना होगा और अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसा जरिया है जिसकी रेगुलर प्रैक्टिस से हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए आज से ही मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। दोस्तों, हर इंसान को अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए ना एक गोल को सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका रिजल्ट ये होता है कि वो आपको डेली चैलेंजेस देता है। इंसान जब भी अपने गोल्स को सेट करता है ना, तो उसको करने के लिए उसके अंदर पूरी स्ट्रेंथ आती है कि मुझे ये काम करना है। एग्जाम्पल के थ्रू, मेलकम एक्स एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। उसे नशीली दवाओं की लत लग गई थी जिसकी वजह से वो जेल में चला गया। वहीं जेल में अच्छे ढंग से पढ़ने से उसके माइंड में ये आया कि क्यों ना मैं एक सोशल वर्कर मिलूं। फिर उसने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना और लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया। अब इस बात को आप खुद सोचिए कि अगर किसी के पास गोल नहीं है तो वो अपनी लाइफ को किस तरीके से स्पेंड कर सकता है। जाहिर सी बात है, वो कुछ भी नया नहीं सोचेगा और किसी काम को करने के बारे में जब वो सोचेगा ही नहीं तो वो सक्सेसफुल भी नहीं बन पाएगा। इसलिए सही मायने में अगर इंसान अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताना चाहता है तो उसके लिए उसे अपनी लाइफ में गोल सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस दिन आप अपना गोल सेट कर लोगे, आपको अपनी लाइफ का मीनिंग पता चल जाएगा और रियल में आप खुश रहना स्टार्ट कर दोगे और डेली उसके लिए उठोगे, डेली उसके लिए काम करोगे। सो दोस्तों, आई होप ये बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी, आपको फ्लो के बारे में पता चला होगा, फ्लो को कैसे आप अपनी लाइफ में अपनी डेली रूटीन में यूज कर सकते हो इसके बारे में पता चला होगा। सो जैसी भी आपको बुक समरी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वन।